गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि DBR को लैपटॉप पे कैसे कन्फिगर करते हैं। जैसे एक सेट आपके पास मैंने लगा रखा है, ये आपका DBR है, नॉर्मली इसको हटा दें और ये मॉनिटर है, कैमरा हमने एक लगा रखा है, ठीक है, सेटअप ये लग गया हमारा। अब इसको लैपटॉप पे कैसे कन्फिगर करते हैं विदाउट इंटरनेट, ठीक है, अगर सेम लोकेशन पर हो, और अगर अदर लोकेशन पे हो, जैसे जहाँ पर सेटअप लगा हुआ है वहाँ से 50 किलोमीटर दूर देखना है, 100 किलोमीटर दूर देखना है, तो अगर DBR वो ऑनलाइन है तो फिर वो उसको कैसे कन्फिगर करें, हम अपने घर पे बैठ करके या ऑफिस में अपने गोदाम को कैसे देखें, तो वो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले करेंगे क्या हम कि ये KVMS हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। वैसे तो आपका DBR के साथ जो CD जाता है उसमें भी रहता है, ठीक है, और अगर इन केस अगर आपको नहीं मिलता है CD वगैरह तो करेंगे क्या कि www.cpplus, ठीक है, .cpplusworld.com हमारा साइट है, वहां जाके आप सर्च कीजिएगा तो इस तरह का आपका ये आपका खुल गया हमारा साइट, ठीक है। यहाँ आप रिसोर्सेज में जाएंगे, ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर में चले जाइए, ठीक है, और ये है हमारा, यहाँ पे जितने भी KVMS आपका है या जितने भी VMS सॉफ्टवेयर है, या वो रेड सीरीज का हो, एक्स्ट्रा सीरीज का हो, या कॉस्मिक सीरीज का हो, जैसे ऑरेंज डब्बा हम भाषाएं बोलते हैं, तो वो चीज़ है। तो ऑरेंज सीरीज के लिए को ही हम कॉस्मिक सीरीज बोलते हैं, उसके लिए जो हमारा है ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है KVMS प्रो विन, ठीक है, तो ये हमारा विंडो के लिए है, और ये लिखा हुआ KVMS प्रो फॉर मैक, सो दिस इज फॉर एप्पल, ओके। ये हमारा IP फाइंडर टूल है, जो आप IP फाइंडर किसी भी कैमरा है लगा हुआ, ढेर सारा IP कैमरा लगा हुआ हो तो IP फाइंडर कैसे हम करेंगे नहीं पकड़ पाता हो किसी भी कैमरे का, तो और दिस इज प्लेयर, स्मार्ट प्लेयर बोलते हैं इसे, अगर आप DAV फाइल का अगर फॉर्मेट अगर बैकअप आपने लिया हो तो ये आपको सपोर्टेड प्लेयर है जो आपको चलेगा। तो सबसे पहले हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया है, अभी आप देख रहे हैं जैसा कि हमने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, इसको अब हम ओपन करेंगे, ये हमारा आ गया यहाँ पर। अब इसे हम अमूमन देखिए ये जो चीज़ें हैं ये RAR फाइल में होता है, सो अगर आपके सिस्टम में RAR फाइल नहीं है तो पहले ये RAR फाइल इसको डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, तब जा करके ये खुलेगा। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इसको RAR फाइल एक तरह से आप कह सकते हैं डब्बे के अंदर बंद होता है, तो डब्बा को हमको कोई भी सामान खरीदते हैं तो डब्बा कैसे सामान अंदर होता है, डब्बा बंद होता है तो डब्बे को हम निकालते हैं फिर सामान निकलता है, तो RAR फाइल वैसे ही होता है, एक कवर अप किया हुआ रहता है फाइल को ऊपर से, ठीक है। तो ये एक्चुअल हमारा है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम रखेंगे डेस्कटॉप पे उठा करके, ये देखिए एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया, जब तक आप एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे ये इंस्टॉल्ड प्रॉपर नहीं होगा। ये हमने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ देखिए लिया है हमने KVMS, इसको डबल क्लिक करेंगे देखिए ये खुल गया, अब इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप खोलेंगे तो ऐसा खुल जाएगा आपको, फिर आपको नेक्स्ट करना है यहाँ पे, ये KVMS प्रो स्टोरेज भाई दोनों रखिएगा, इसे नेक्स्ट करना है और इनसे इंस्टॉल कर देना है, ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया, ये देखिए यहाँ सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है। हम फिर करेंगे रन KVMS के ऊपर और इसे फिनिश करेंगे, ठीक है, इसे कट कर देंगे। अब ये देखिए हमारा यहाँ पर आइकन बन करके आ गया है KVMS का, ठीक है, अब ये खुलेगा। इसको फर्स्ट टाइम में आपको करना क्या है, ये ऐसा खुलेगा आपका, इसमें आपको पासवर्ड सेट करना है इस सॉफ्टवेयर का, ठीक है, तो मैं सेट कर देता हूँ इसे, आप चाहते हैं कि बार बार पासवर्ड डालने की टेंशन ना रहे तो ऑटो लॉगिन कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। ये कुछ क्वेश्चन है आप डाल दीजिए इसमें, सब में कॉमन पासवर्ड डाल दीजिए कहीं भी जहां भी इंस्टॉल कर रहे हैं। याद रखिए ये विदाउट इंटरनेट अगर लोकल एरिया में हो, जैसे जहां पर DBR लगा हो और पास में 100-200 मीटर पर देखना हो तो आप कैटसेस के थ्रू आप यूज कर सकते हैं 100 मीटर के अंदर। अदरवाइज अगर कहीं रिमोट पर हो, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर को दूसरे शहर में हो तो आप फिर सीरियल नंबर के थ्रू आप कर सकते हैं, वो दोनों चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आपके सामने खुल गया ये,
ठीक है, ये वीडियो चलता है आपको इसको कट कर देना है। चीज़ें बता रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या इसका एडवांटेज है, तो कैसे कैसे हम चीज़ें इसको अब यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर न्यू में जाएंगे तो ऐसा खुलेगा आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्या कि यहाँ तो DVR पास में है, अगर 100 मीटर 150 मीटर दूर है अगर DVR तो फिर आप लैन केबल लगाइए और अपने सिस्टम में जिसमें आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसमें लगा दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा कि ये तभी पॉसिबल है जब इसका डिवाइसेस और इस लैपटॉप का डिवाइसेस का दोनों का नेटवर्क सेम सीरीज में हो। इसका एग्जांपल मैं तो चेक करूं, यह देखिए, ये मैं, हाँ सर, तो ये हम चेक कर लेंगे नेटवर्क हमारा, ये देखिए ये नेटवर्क हमारा 1 का सीरीज में है और हम लैपटॉप का भी नेटवर्क चेक कर लेंगे कि 1 के सीरीज में है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम लैपटॉप का नेटवर्क बना लेंगे सेम सीरीज में। अगर नेटवर्क कनेक्टेड है तो ये जो IP आपका कनेक्टेड है सेम सीरीज में, फिर इसको हम चेंज कर लेंगे आपका। ठीक है, उसके बाद हम करना क्या है, हम डिवाइसेस में जाएंगे यहाँ और यहाँ पर ऑटो सर्च करेंगे। ये देखिए 3 सर्च किया हमारा, जिसमें क्योंकि हमारा भी डिवाइस वाईफाई से भी कनेक्टेड है तो ये दोनों कनेक्ट किया। अदरवाइज अगर नेट कनेक्टेड नहीं रहेगा वाईफाई से मेरा आपका, तो सिर्फ इस DVR का आपका अपन करेगा। तो ये DVR का IP जैसे मैंने आपको बताया कि 2.40 है, तो 2.40 हमारा ये है। ठीक है, इसको हम ऐड करवाएंगे, ऐड डिवाइसेस, इसका यूजर नेम जो DVR का है वो डाल देंगे और जो पासवर्ड हमने बनाया है वो डाल देंगे, ओके कर देंगे। तो ये जो देखिए कैमरा जो देख रहे हैं अभी, ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन शो करने लगेगा आपको, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखिए ऑनलाइन हमारा आ गया। अभी मैंने क्या किया है कि ये नेट नहीं चल रहा हमारे सिस्टम में, हमने नेट अभी बंद कर दिया, फिर जो सीरीज का जो DVR का IP था उसी सीरीज का हमने इसमें मैनुअल डाल रखा है, उसके बाद ये ऑनलाइन हुआ हमारा। ठीक है, अब करेंगे क्या, हम लाइव व्यू में चले जाएंगे सीधे और जैसे लाइव व्यू पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये IP आ जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहे तो आप अपना नाम से ही बदल सकते हैं। ठीक है, अभी हमने कैमरा नंबर 1 पे लगा रखा है कैमरा, सो कैमरा नंबर 1 को यहाँ पर जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेन स्ट्रीम और सब स्ट्रीम आ रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर 1-2 कैमरा खोलना है तो आप मेन स्ट्रीम में यूज कीजिए, अदरवाइज अगर मोर देन 1 कैमरा खोलना है आपको तो फिर आप ये देखिए जैसे घुमाया ये इधर आ गया आपका। ठीक है, ये लाइव चल रहा है आपका, ये तो हुआ आपका ऑफलाइन। अब आपको ऑनलाइन अगर करना है तो फिर क्या करना होगा, अब हम जैसे ये हमने निकाल दिया क्योंकि ऑफलाइन करना था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे देखना है करना है आपको। सो सबसे पहले सेम चीजें खोलने के बाद आप आउटर सर्च में जाएंगे, अगर आपका इस नेटवर्क में सेम नेटवर्क में DVR का भी ऑनलाइन सेम सीरीज का है अगर और लैपटॉप का भी सेम सीरीज में है तो आप सर्च कराएंगे जब IP फाइंडर पे ये जो KBMS खोलने के ऊपर, तो आपका जो भी ऑनलाइन सिस्टम रहेगा वो सारा दिखाने लगेगा, उसमें से आपको छाट लेना है कि IP DVR और कौन सा है। तो ये मैं देखिए 222 दिखा रहा है एक और एक ही PCNB, तो ये हमारा DVR है जो अभी लगा हुआ है। इसको 1280 डिवाइस CS करेंगे, इसका यूजर ID पासवर्ड DVR का डाल देंगे। ठीक है ये देखिए इसको अब हम कट कर देंगे और ये देखिए ऑनलाइन आ गया हमारा। इसे आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, जो ये हमारा ऑनलाइन है, मॉडल नंबर आपका यहां दिखा दिया, IP क्या है। ठीक है, आप नेम अगर चेंज करना चाहते हैं तो नेम भी चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर 10 DVR ऐड करना है तो 10 DVR, या तो आप नाम बदलना चाहते हैं दूसरे दूसरे शहर में लगा हुआ है तो वहां से भी आप एक चीज देख सकते हैं, या कोई भी डिपार्टमेंट में आपका अलग अलग लगा हुआ है तो वहां से भी आप नाम बदल लीजिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, तो इस तरह से आप, या शहर का नाम ले लीजिए, जयपुर हो गया, कोटा हो गया, राजस्थान, तो इस तरह से आप नया नाम बदल दीजिए तो ईजी हो जाता है आपको।
ये ऑनलाइन जब तक नहीं आएगा तब तक आपका कैमरा नहीं चलेगा। फिर आप प्लस पे जाइए, लाइव व्यू पे जाइए, और जैसे ये एक कैमरा भी आप देख रहे हैं वैसे अगर 10 रहेगा तो यहाँ पे 10 का 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। और फिर इसको सेम सिमिलरली या तो ऐसे क्लिक कीजिए इस ट्रायंगल पे, तो जितना भी कैमरा रहेगा खुल जाएगा आपका, ठीक है। जो आप चाहते हैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पर राइट क्लिक कीजिएगा तो मेन स्ट्रीम और सब स्ट्रीम। अभी ये मेन स्ट्रीम पे चल रहा है, देखिए यहाँ बिट रेट वैरी कर रहा है 4000। इसको जैसे ही सब स्ट्रीम पे करेंगे तो ये चीज़ें थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। देखिए सेम क्वालिटी आप देख रहे हैं और सेम चीज़ें, दोनों में डिफरेंसेज है। सो ये आपका मेन स्ट्रीम हुआ, ये आपका सब स्ट्रीम है, किसी किसी डीवीआर में एक्स्ट्रा स्ट्रीम भी रहता है, तो वो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो ये था ओवरऑल प्रोसीजर कि हम डीवीआर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं विद द हेल्प ऑफ केबीएमएस। ऑनलाइन या ऑफलाइन आप दोनों कर सकते हैं। कॉस्मिक सीरीज का कोई भी डीवीआर हो जिसका ऑरेंज डब्बा हो, ठीक है, वो सारा इस पे सपोर्ट करेगा आपका। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें और लोगों को बताएं ताकि उनका टाइम बचे। थैंक यू।